राम राम जी सर, मैं हुक्कली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कॉलेज के जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके बारे में। तो आपके जो हरियाणा कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो आपकी प्रोविजनल लिस्ट कल आ गई थी, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आज शाम को आएगी। तो उस मेरिट लिस्ट को आपको कैसे चेक करना इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको DHC की जो वेबसाइट का पोर्टल है जो आपको ऊपर दिख भी रहा हुआ, इस पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है आपका नो यूर रिजल्ट। ठीक है, आपको जो ऊपर सेक्शन दिख रहे हैं इनमें आपका जैसे होम हो गया, सर्च कॉलेज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डैशबोर्ड, उसके बाद है आपका नो योर कॉलेज। ओके, तो इसमें आपको चले जाना है। ठीक है, नो योर कॉलेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना। अंडर ग्रेजुएशन जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका सर्वर में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको आपके फॉर्म के ऊपर जो आपने फॉर्म भरवाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना, 5 या 6 डिजिट का होगा। उसके बाद आपको सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका स्टूडेंट का नेम, ठीक है, कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज टाइप है, उसके बाद आपका कोर्स कौन सा सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लास्ट में आपका प्रेफरेंस। ठीक है, आपको ये दिखा देगा कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आपका सिलेक्शन है वो हुआ है, इस कोर्स में हुआ और ये आपने कॉलेज फिल किया था। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दी जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने क्या है कि अपनी मनपसंद कॉलेज चाहिए था लेकिन अभी मिला नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही मिल गया तो वो कर नहीं सकते डेफरशीट। अगर वो क्या है कि दूसरा कॉलेज चाहते हैं, जैसे कि उन्हें तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया और वो चाहते हैं दूसरा है पहले नंबर का, तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपने स्टूडेंट ID को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो वहाँ पे डेफरशीट कर सकते हैं उसकी। अगर आप डेफरशीट कर देते तो उसमें क्या होगा कि आपका अगली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और इस मेरिट लिस्ट से आपका नाम कट जाता। ओके, डेफरशीट के ऊपर मैं अलग से शाम तक वीडियो डाल दूंगा। बाकी आपकी जब भी कॉलेज की मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाएगी ना, मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा वहाँ पे, ठीक है, और आपको यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में से हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।